नमस्कार साथियों, आज 22 मई है और मौसम विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार 5 जून के बाद कभी भी दिल्ली के अंदर मानसून आ सकता है, मानसून की बारिश हो सकती है। आप सब ने देखा होगा कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के कारण जब भी बारिश होती है तो दिल्ली के अंदर पानी के अंबार लग जाते हैं। आपने कई सारे भीभत्स फोटोग्राफ्स देखे होंगे, विजुअल्स देखे होंगे, जिसमें बसों के अंदर पानी आ जा रहा है, बसें पानी के अंदर डूब गई। पिछले साल एक साथी की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु भी हुई थी बारिश के कारण। साथियों, आज 22 तारीख है, 5 जून होने में ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 दिन का टाइम है, लेकिन दिल्ली के अंदर 60 फुट और उससे छोटे वाले जो नाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर आते हैं, जो कि लगभग दिल्ली के 95% नाले नालियां मिलकर जो पूरी की पूरी बनती है, उसमें अभी भी गाद निकालने का, उन नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके जानकारी में, दिल्ली के लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मात्र 12 से 15 दिन बचे हुए हैं मानसून के आने में। 60 फीट और उससे नीचे के जितनी भी नालियां हैं, नाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, एमसीडी के अंदर आते हैं, उसकी सफाई कायदे से तो अब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी उसकी सफाई के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको कि इन सारे नालों की सफाई के लिए, इन सारे छोटी बड़ी नालियों की सफाई के लिए कम से कम 1000 से ज़्यादा JCB की ज़रूरत पड़ती है, जो नालों में जाते हैं, नाले से गाद निकालते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। एमसीडी के पास, तीनों एमसीडी मिला के मुझे लगता है 50 से ज़्यादा JCB नहीं है, तो एक तरीके से वो पहले से, एक महीने पहले से ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं JCB को एक्वायर करने के लिए, उसको रेंट पे लेने के लिए। लेकिन अभी तक एमसीडी ने गाद निकालने के लिए, नालों की सफाई के लिए कोई भी प्रोसेस, JCB को रेंट पे लेने का कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या दिल्ली को फिर से जलमग्न होने देना चाहते हैं? क्या जब भी बारिश हो तो जो करोल बाग के आसपास की झुग्गियाँ बह गई थी पानी में, उस तरह का विजुअल्स आप फिर से चाहते हो? आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ, लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। अभी भी 12 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति छोड़िए और थोड़ा सा काम पर ध्यान दीजिए, और जो भी नालों की सफाई है 60 फीट से और 60 फीट से नीचे की जो नालों की सफाई है, वो सारे नालों की सफाई आप तुरंत कराएं। कोई भी विलम्ब इसके अंदर दिल्ली वालों के साथ धोखा होगा और दिल्ली वालों की जान के साथ खेलने के बराबर होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये चेतावनी भी देता हूँ कि दिल्ली वालों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करें, और जो भी नाले, लगभग 95% नाले दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी MCD के अंदर आते हैं, तुरंत उसकी सफाई का काम शुरू हो, उसके तुरंत गाद निकलवाने का काम शुरू किया जाए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? आज MCD का एकीकरण हो गया है, विशेष जो अधिकारी है और आयुक्त ने पदभार भी संभाल लिया, आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, ये तो नौटंकी है कि किसने क्या पदभार संभाल लिया, किसने क्या पदभार नहीं संभाल लिया। वो तो चलाना BJP ने ही है, केंद्र सरकार ने ही चलाना है, BJP के नेताओं ने ही चलाना है। इसमें दिल्ली वालों का कोई प्रॉफिट नहीं है ना, दिल्ली वालों का कोई फ़ायदा नहीं है। कहा गया था कि तीनों नगर निगम एक हो जाने से वेतन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, अभी तक तो कहीं कुछ हुआ नहीं।
गाद की सफाई हो जाएगी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कहा गया था कि घर बनाओगे घर से उगाही नहीं होगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। रिजल्ट में ये मिल गया कि दिल्ली के 63 लाख परिवारों को बेघर करने की तैयारी में है। झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जे कॉलोनी तोड़ी जा रही हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज तोड़ी जा रही हैं, पक्की कॉलोनियाँ जो हैं, जो फ्लैट्स हैं उनमें एक एक घर को मार्क किया जा रहा है कि किसका छज्जा बड़ा हुआ है, किसने एक फ्लोर और बना लिया, किसने सीढ़ी ज़्यादा बाहर निकाल दी। तो दिल्ली वालों को तो बिल्कुल ध्वस्त करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी MCD। मैं एक ही आह्वान आम आदमी पार्टी करती, एक ही बात मांग करती है कि जनतंत्र जनता से चलता है, अधिकारियों से जनतंत्र नहीं चलता। आप एकीकरण का बहाना लेके चुनाव से मत भागिए, आप चुनाव कराइए। दिल्ली की आपने 15 साल में अच्छा काम किया होगा तो दिल्ली की जनता आपको फिर से मौका दे देगी, अगर आपने नहीं किया होगा तो किसी नए व्यक्ति को मौका देगी। ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन आप चुनाव कराइए और इलेक्टेड जो लीडर हैं वो डिसाइड करें कि दिल्ली की MCD में कैसा माहौल होगा। किसी अधिकारी को बिठाने का तो एक तरीके से वो तो अधिकारी एक तरीके से कठपुतली होंगे, जो आप आदेश देंगे वो काम करेंगे वो। थैंक यू। मैंने इसके ऊपर कोई 20-25 दिन पहले बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब मुझे कहा गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बात कह रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं होगी, किसी को नहीं निकाला जाएगा, हम डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसी तमाम बातें आदेश गुप्ता जी ने और उनके प्रवक्ताओं ने मुझे कहा था। लेकिन आज खुद MCD मान रही है कि, और 700 का तो ये डेटा आपको मेरा ख्याल है परमानेंट का बता रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ कम से कम 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को ये निकाल रहे हैं, पूरी ईस्ट MCD के ऑफिस का पूरे सिस्टम को बाहर निकाल रहे हैं। अभी चूँकि पार्षद नहीं है, उनका सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ जोन जोन फंक्शन करता रहेगा। तो एक तरीके से इस एकीकरण से कहा गया था कि दिल्ली वालों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा, दिल्ली वालों को बेरोज़गार किया जा रहा है, दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे, अब छोटे छोटे काम के लिए अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अधिकारी भी पता नहीं कहाँ बैठते हैं, कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो पूरी तरह से स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है दिल्ली की। हम तो मांग करते हैं कि तुरंत चुनाव कराए जाएँ और किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकालना, और उस समय जब देश कोविड के साथ संघर्ष कर रहा है, दिल्ली कोविड के साथ लड़ रही, किसी को भी नौकरी से निकालना इनजस्टिस है, अन्याय है। ये तो आपकी गलती थी कि आपने 3 बनाए 1 किए, उसके लिए जनता क्यों भुगते, उसके लिए कर्मचारी क्यों उसका हर्जाना भुगते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बन गया है। मैं देख रहा था कि नवंबर में इन्होंने 5 रुपये या 7 रुपये कम किए थे, फिर अप्रैल में 10 रुपये बढ़ा दिए, फिर अभी कल फिर से 7 रुपये कम कर दिए। तो ये जनता ना परेशान हो चुकी है। आज आपने लगभग पिछले 6 से 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लगभग 40 से 50 रुपये की बढ़ोतरी की है पेट्रोल के ऊपर। तो सबसे पहला काम है कि केंद्र सरकार जो कि 70 से 80% टैक्स लेती है पेट्रोल के ऊपर, राज्यों का शेयर तो बहुत कम है। मैं देख रहा था मध्य प्रदेश का शेयर तो 40% है, हमारा शेयर तो बहुत कम है। तो सबसे पहला काम है कि केंद्र सरकार जो इतना ज़्यादा टैक्स पेट्रोल पे ले रही है उसको कम करे, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ज़्यादा लाभ उनको देना चाहिए। इस तरह से 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करने को जनता जान चुकी है, अब इस तरह की चीज़ों में जनता फंसेगी नहीं।